অবশেষে বিতর্কিত ফলক ভেঙে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম লেখা নতুন ফলক বসলো বিশ্বভারতীতে। যদিও বৃষ্টির মধ্যে রাতে ফলক বসানো ঘিরে শুরু হয় বিতর্ক। প্রশ্ন উঠেছে, দিনের পরিবর্তে কেন রাতের অন্ধকারে ফলক বসানো হলো? 17ই সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা দেয় ইউনেস্কো। 20শে অক্টোবর বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহ রবীন্দ্র ভবন ও গৌর প্রাঙ্গণে পাথরের ফলক বসানো হয়। সেই ফলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্যর নাম থাকলেও ব্রাত্য ছিল খোদ কবিগুরুর নাম, যা ঘিরে শুরু হয় বিতর্ক এবং বই যায় সমালোচনার ঝড়। এর জেরে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে বিতর্কিত ফলক সরিয়ে নতুন ফলক বসানোর নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক। প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন বাবা, দাবি করলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। তবে উনি জানতেন উনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, এমনটাই দাবি করেছেন শর্মিষ্ঠা। হয়তো সোনিয়া মনে করেছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করবেন, তাই সোনিয়া গান্ধী তার এবং তার পরিবারের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে চেয়েছিলেন। তাকে বাবা এমনটাই জানিয়েছিলেন, দাবি করেছেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কন্যা। एक दिन राहुल गांधी जी मेरे फादर के साथ मिलने के लिए आए और बाबा तब मुगल गार्डन में वॉक ले रहे थे प्रेसिडेंट, तो मिले वो ऐसे। फिर बाद में पता चला कि राहुल गांधी जी शाम को मिलने के लिए आने वाले थे, तो राहुल गांधी का ऑफिस उन्होंने गलती से शाम की जगह उनको सुबह बता दी, तो मुझे ADC से पता चला। तो फिर मैंने जब अपने बाबा से जिक्र करी इस बात को, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सरकास्टिकली उन्होंने बोला कि अगर राहुल गांधी का ऑफिस को AM और PM का बीच में जो फ़र्क है वो नहीं पता, तो एक दिन वो कैसे सोचते हैं कि PMO को चलाएंगे। उनकी डायरीज़ में बहुत ज़्यादा राहुल गांधी जी के बारे में है नहीं बहुत ज़्यादा कुछ, इंट्रैक्शंस कुछ UPA का टाइम पर हुआ है और कुछ जब प्रेसिडेंट थे तो राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए आते थे। तो उनका जो ऑब्जर्वेशंस राहुल गांधी के बारे में रहा उसके बारे में मैंने बताया कि वो उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी जी बहुत ही कर्टियस हैं और बहुत सारे सवाल करते हैं, जो कि उनको अच्छा लगा कि ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी लगा कि राहुल गांधी एक सवाल से दूसरा सवाल बहुत जल्दी, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट बहुत जल्दी जाते हैं, तो वो उनको लगा कि पता नहीं कितना इनको समझ आ रहे हैं या कितना वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसमें बारे में भी मेरे फादर का उन्होंने लिखा, ऑब्जर्वेशन लिखा इस विषय पे। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दिया था कि आपको कैबिनेट में आना चाहिए और प्रशासन कैसे चलाना पड़ता है उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। कि वो खुद भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे? हाँ बिल्कुल बनना चाहते थे, लेकिन उनको ये भी पता था कि वो बनना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं पाएंगे, तो इस बात को उनको कोई डिसिल्यूशनमेंट में नहीं था कि एक दिन बनेंगे, बट हाँ ऑफकोर्स वो बनना चाहते थे। ये बात खुलकर मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल कोई भी सीरियस पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बनूंगा। तो बिल्कुल मैंने पूछा, तो उनका कहना यही था कि सोनिया गांधी जी का उनको शायद सोनिया गांधी जी को लगा होगा कि एक दिन वो हो सकता है कि सोनिया गांधी जी का अथॉरिटी चैलेंज करे।